बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शंस लेसन नंबर 2 कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस पेज नंबर 45। हियर इज पेज नंबर 45। इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 4 का स्टार्ट लेंगे आज हम लोग, जो कि हमारे पास है अरेंज 19/6, 2 11/12, 2 एंड 8/3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म है, तो दूसरा मिक्स नंबर है, फिर एक होल नंबर है और फिर सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म है। ऐसे अगर बे तरतीब के अलावा कोई भी नंबर दे दिए जाएँ तो उनको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने डिक्रीज़ मीन्स कम करते जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ग्रेटर लेंगे, फिर उसमें से स्मॉलर की तरफ चलते जाएंगे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें ये 4 नंबर्स दिए गए हैं, इनमें सबसे पहले ये जो 2 है ना, ये तो हमारे पास सबसे पहले स्मॉलेस्ट हो गया क्योंकि होल नंबर है, स्मॉलेस्ट हो गया। अब इन दोनों नंबर्स में जब हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तीनों नंबर्स में, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ भी है। सबसे पहले 19/6, क्योंकि हमारे पास ये मिक्स नंबर में है तो हम इन दोनों फ्रैक्शन फॉर्म्स को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। 19/6 को जब हमने डिवीज़न की है, हमारे पास मिक्स नंबर में आंसर आ चुका है 3 1/6। 8/3 का जब हमने डिवीज़न की है तो मिक्स नंबर आ चुका है 2 2/3। अब इन तीनों नंबर्स को जब देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास हो गया 3 1/6, एक हमारे पास हो गया 2 11/12 और एक हो गया 2 2/3। अब डियर स्टूडेंट्स, इनमें देखा जाए तो 19/6 जो है 3 1/6, ये इन दो नंबर से हमारे पास ग्रेटर आ रहा है, तो ये तो हमारा नंबर हो गया ग्रेटर। अब हमने इन दो नंबर्स में देखना है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 2 और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 19/6। अब हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स में देखना है, और ये सबसे ग्रेटेस्ट क्यों है, ये इसलिए है ग्रेटेस्ट नंबर किसके साथ, ये जो होल नंबर मिक्स नंबर में लगा ये 3 है और इनके साथ दोनों के साथ 2 लगा हुआ है। इसका मतलब ये 2 सर्कल्स फुल है और ये 3 सर्कल्स फुल है और ये 2 सर्कल्स फुल है, तो 2 तो कम हुआ, 3 ज़्यादा हुआ, इसीलिए 19/6 हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। फिर 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों के साथ 2 है लेकिन 2 के साथ दूसरा नंबर भी लगा हुआ है ना, अभी कुछ क्वार्टर है या हाफ है समथिंग, 2 से ये एक्स्ट्रा है लेकिन ओनली 2, तो 2 सबसे छोटा हुआ। तो इन दो 2 के चक्कर में हम लोग आएंगे कि इसमें हम लोगों को कौन सा घुमा के चक्कर दिया गया है। जब हम दोनों इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 2 तो दोनों का एक जैसा है। हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म को एक दूसरे के साथ देख लेते हैं क्या आता है। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास 11/12 आई और इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 2 को हटा देंगे ना, ये जो होल नंबर है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास 2/3 आ चुकी है। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो इनके डिनोमिनेटर्स जब हम सेम करेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में 8/3 को हम लोग ग्रेटर बनाएंगे। तो 8/3 का जब हम लोगों ने मिक्स नंबर लिया तो 2 2/3 आया, जो कि हमने यहाँ पर लिया हुआ था, वो हमने यहीं पर लिखा है। अब इसका जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर है, उसको हम लोगों ने 12 बनाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिए थे दोनों नंबर। अब 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 12 में आ जाएगा, तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/12। अब जब हम लोग इन दो नंबर्स को एक दूसरे के साथ करीब ला के देखते हैं, चेक करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो ये नंबर है 2 8/12 वो इस नंबर से छोटा आ रहा है 2 11/12, क्योंकि यहाँ पर 11/12 है और यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 8/12। तो 8/12 हमारे पास क्या हुआ, स्मॉलर नंबर हुआ। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 11/12 इज़ ग्रेटर दैन 2 8/12। हिंस प्रूव्ड, हमारा जब डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर था 19/6 था, फिर हमारे पास आया 2 11/12, फिर हमारे पास ये नंबर, जब इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, इसको पहले वाला नंबर ही हमने लिखना है, वो हमारे पास 8/3 था और 2 सबसे स्मॉलेस्ट था। यहाँ पर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसे भी कहते हैं, वो कंप्लीट हुआ। इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास पेज नंबर 46 अपडेटेड एडिशन। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। अब ए पार्ट में हमारे पास 3 5/9 और 3 2/9। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही ईजी वाला है, इसका जो होल नंबर है दोनों का क्या है 3 है, डिनोमिनेटर भी सेम है। हम लोगों ने सिर्फ नोमिनेटर जो ऊपर वाला नंबर है वो हम लोगों ने देखना है कि कौन से का ग्रेटर है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो डियर स्टूडेंट्स 5 ग्रेटर है, तो हमारे पास ए पार्ट में 3 5/9 हमारे पास ग्रेटर नंबर आ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी है हमारे पास 2 3/4 और 2 1/2। अब दोनों के जो होल नंबर्स हैं वो 2 2 हैं, तो हम लोग सिर्फ इनके फ्रैक्शन फॉर्म्स को मैच करेंगे। एक 3/4 है, एक 1/2 है, तो हम लोगों ने फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को देखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम नहीं है, तो हम जो छोटा वाला है उसको ग्रेटर बनाएंगे। तो 2 को हम 4 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बनेगा, तो उसका नोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 2/4। अब देखें डियर स्टूडेंट्स दोनों के होल नंबर्स भी सेम हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम हो गए, तो जो इनका नोमिनेटर है एक का 3 है, एक का 2, तो 3 ग्रेटर होता है, इसीलिए 2 3/4 हमारे पास ग्रेटर नंबर है 2 1/2 से। सी पार्ट है हमारे पास 8/3 और 5/6। इसमें हमारे पास सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में सबसे पहले ही हमने डिनोमिनेटर्स को देखना होता है जो कि सेम नहीं है, एक 3 है, एक 6 है, तो हमने स्मॉलर को ग्रेटर बनाना है, तो स्मॉलर 3 है, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। इसी तरह हम 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1s 8 2s 16 आ जाएगा, एंड 3 2s हमारे पास आ जाएगा 6। अब देखें डियर स्टूडेंट 16/6 ग्रेटर है या 5/6, 16/6 ग्रेटर है ना, इस तरह हमारा 8/3 ग्रेटर नंबर आया। पार्ट डी है हमारे पास 9/12 और 7/6। अब डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, होल नंबर में नहीं है, हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर्स को देखना है। डिनोमिनेटर्स 12 है, 6 है, 6 स्मॉलर है, स्मॉलर को हम लोगों ने ग्रेटर बनाना है, 6 2s 12 होता है, तो हमने नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 14/12। अब जब डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो गए हैं तो ऊपर वाले नोमिनेटर्स को जब हम मैच करेंगे तो 9 छोटा है, 14 ग्रेटर है, इट्स मीन 7/6 हमारा ग्रेटर नंबर है। पार्ट ई है हमारे पास 4 3/5 और 25/10। डियर स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर भी आता है तो उसमें आप लोगों ने 2 मेथड्स अप्लाई करना, जो आपको बेस्ट लगता है, इजी लगता है, वो आप कर सकते हैं। या तो होल नंबर को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लाओ, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसके आंसर में 3 ऐड करो, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म को होल नंबर में कन्वर्ट करो, डिवीजन करेंगे तो वो होल नंबर में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आपको जो भी अच्छा लगता है आप वही अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 5 4s 20, 20 + 3 = 23, सो 23/5 हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोगों ने दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखना होगा, एक का 5 है, एक का 10 है। सिमिलर करने के लिए हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 26। 3 1s 3 2s 6 एंड 46 हमारे पास आ जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स जब नोमिनेटर सिमिलर हो चुके हैं तो हम ऊपर वाले डिनोमिनेटर सिमिलर हो चुके हैं तो ऊपर वाले नोमिनेटर को चेक करेंगे, तो 25 है, एक का 46 है, 46 क्योंकि ज़्यादा है, इट्स मीन 4 3/5 इज़ ग्रेटर। पार्ट एफ है हमारे पास 3 1/4 और 2 1/16। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास होल नंबर भी गिवन है, और ये बहुत इजीली पता चल रहा है क्योंकि जिसका होल नंबर बड़ा होगा वो ही फ्रैक्शन फॉर्म में ग्रेटर होगा, सो 3 इज़ ग्रेटर, सो 3 1/4 इज़ ग्रेटर नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास विच फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया उसमें हम लोगों ने ग्रेटर बताया, इसमें हम लोगों ने स्मॉलर बताना है, मैथड वही यूज़ करेंगे। 2 5/6 और 2 3/12। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दोनों के होल नंबर हमारे पास सेम है, तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को मैच करना है, एक 6 है, एक 12 है, तो हमने 6 को 12 बनाने के लिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो हेयर वी ऑल्सो मल्टीप्लाई 2 with 5, वी गेट 2 10/12। अब डियर स्टूडेंट्स दोनों के होल नंबर भी इक्वल हैं, डिनोमिनेटर्स भी इक्वल हैं, तो हम नोमिनेटर्स को देखेंगे तो हमारे पास एक 10 है, एक 3 है, सो हमारे पास 2 10/12 ग्रेटर है। सो यहाँ पर हम ग्रेटर है, हमने सॉरी स्मॉलर देखना है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 3/12 हमारे पास स्मॉलर नंबर है। पार्ट बी इज़ 3 7/10 और 3 3/5। दोनों के होल नंबर सेम है, सो डिनोमिनेटर्स देखेंगे। डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं हैं तो छोटे वाले को देखेंगे, बड़ा बनाएंगे जो 10 है तो 5 हमारा 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाता है, तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 1s 3 2s 6 एंड 5 2s 10। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होल नंबर भी इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल है। हम नोमिनेटर को देखेंगे, एक 6 है एक 7 है, सो इट्स मीन्स 3 6/10 इज स्मॉलर नंबर, सो 3 3/5 इज ओवर स्मॉलर वैल्यू। पार्ट सी ए 16/7 और 18/7 दोनों के डिनोमिनेटर क्योंकि इक्वल हैं तो हम नोमिनेटर को देख लेंगे। 16 हमारे पास स्मॉलर है, 18 ग्रेटर है, तो हम 16 को स्मॉलर करार देते हैं। पार्ट डी है हमारे पास 31 डिवाइड बाई 20 और 21 डिवाइड बाई 4। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है और डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा 105 डिवाइड बाई 20। अब डियर स्टूडेंट्स दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो एक है 105, दूसरा है 31। 31 स्मॉलर है, सो 31/20 हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है। पार्ट ई है हमारे पास 5 5/9 और 43/9। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास होल नंबर गिवन है, यहाँ पर होल नंबर नहीं गिवन, तो इसको या तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या फिर इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर दें। तो हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म को होल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो हेयर हमारे पास क्या है 9 5s 45। 45 में 5 ऐड करेंगे 50/9 आ जाएगा। तो हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो नोमिनेटर में हमारे पास 43 स्मॉलर है 50 ग्रेटर है, सो 43/9 इज़ अवर स्मॉलर वैल्यू। पार्ट एफ है हमारे पास 1 9/10 और 9/5। फिर से हमारे पास एक होल नंबर में है, होल नंबर में नहीं, मिक्स्ड नंबर में है और एक हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 10 1s 10 और 10 में 9 ऐड करेंगे तो 19/10 आ जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्योंकि सेम नहीं है तो हम सेम करने के लिए 5 स्मॉलर है तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, तो 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 2s 18 एंड 5 2s 10। 18/10 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 18 स्मॉलर है और 19 ग्रेटर है, सो 9/5 इज आवर स्मॉलर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अरेंज द फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स हमने छोटे की वैल्यू पहले लेनी है, आहिस्ता आहिस्ता चल के हमने ग्रेटर की तरफ जाना है। सो 2 1/6, 7/2 एंड 17/6 इन 3 नंबर्स में हमने इन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो डियर स्टूडेंट्स पार्ट ए हम लोग लिख चुके हैं 2 1/6, 7/2 एंड 17/6 इन 3 नंबर्स को हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि छोटा पहले और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट सबसे लास्ट में। सो यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये जो होल नंबर में आ रहा है मिक्स नंबर में आ रहा है इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि बाकी 2 भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। सो 6 1s 6 2s 12 और 12 + 1 13/6 हमारे पास आया और ये दोनों 7/2 एंड 17/6 वैसे का वैसा ही लिखा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इन दोनों के डिनोमिनेटर 6 है और इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, सो हमने 2 वाले को भी 6 बनाना है। सो 2 3s 6 तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हमारा हुआ 13/6, तो दूसरा हमारा 7 1s 7, 7 2s 15, 7 3s 21, सो 21 एंड 3 1s 3 2s 6 और एक आया 17/6। अब चूँकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स तो हम नोमिनेटर्स की वैल्यू लिखेंगे, देखेंगे कि हमारे पास नोमिनेटर की वैल्यूज़ क्या है। एक 13 है, एक 21 है, एक 17 है। क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सो डियर स्टूडेंट सबसे छोटा हम पहले लिखेंगे। सो सबसे छोटा हमारे पास 13/6 है, हम 13/6 लिखेंगे। फिर 17/6 है, हम 17/6 लिखेंगे। फिर 21/6 हम लोग लिखेंगे। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया, लेकिन जो ओरिजिनल नंबर्स थे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स उनको हम लोगों ने लिखना है। सो 13/6 हमारे पास ओरिजिनल में नंबर था, 2 1/6 हम लोगों ने 2 1/6 लिखा। 17/6 हमारे पास 17/6 ही था, उसको हम 17/6 ही लिखेंगे। और 21/6 हमारे पास था 7/2, सो हमने 7/2 लिख दिया। हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स पार्ट बी में हमारे पास 4 नंबर्स गिवन है, एक हमारे पास होल नंबर में है, एक मिक्स नंबर में है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में, और अगेन दूसरा भी हमारे पास मिक्स नंबर में आ रहा है। तो इसको चले हम लोग शो करते हैं कि कैसे हम लोगों ने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन लिख चुकी हूँ, हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया है। सबसे पहले ये जो हमारे पास मिक्स नंबर है इनको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 3s 15, 15 + 4 हमारे पास आता है 19/5। और ये नंबर हमारे पास 3 है, 3 के नीचे जब कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हमेशा ऑलवेज इट इज़ प्रेजेंट 1। अब हमारे पास दूसरा है 13/5 और इस नंबर को भी कन्वर्ट करेंगे। 15 2s 30, 30 में 1 ऐड करेंगे, 31/15। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सबके अलग अलग नंबर्स आ गए हैं, 5 1 5 15। डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, इन सब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग इसको थोड़ा सा फॉलो करोगे तो फ्रैक्शंस आप लोगों को कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगी। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 5 1 5 15। अब 1 तो हमारे पास पहले से ही 1 है, हम लोगों ने इन 3 नंबर्स को 1 बनाना है। सो 5 पे इसके टेबल पड़ेंगे, 5 1s 5 1, 5 1s 5 एंड 5 3s 15। ये तीनों तो हमारे पास 1 हो गए। अब हम लोगों ने 3 को 1 बनाना है, सो 3 को 3 के टेबल पे ही पड़ेंगे, 3 1s 3। तो ये हमारे पास सारे 1 बन चुके हैं। अब 5 को 3 पे जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3s हमारे पास 15 आ जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब 15 क्योंकि हमारे पास एलसीएम में आ चुका है तो हमने इन सब का डिनोमिनेटर 15 लेना है। सो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, तो हम 19 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है, तो 1 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 ही आएगा। सो हम लोग 3 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13/5 को भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 3s 15 है, और 31/15 को वैसा का वैसा ही लिखेंगे क्योंकि इसका एलसीएम हमारे पास 15 ही है। अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं टेबल्स पढ़ के। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, 19 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 57/15। अब हम लोग 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 45/15। अब हम लोग 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 39/15, और 31/15 जैसा का है वैसे ही लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जब डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो चुके हैं तो यहाँ पर हमें कोई मुश्किल नहीं हो रही कि यहाँ में कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर लिखना होता है, तो सबसे छोटा हमारे पास 31/15 है, देन हमारे पास 39/15 है, देन 45/15 एंड लास्ट 57/15। अब डियर स्टूडेंट्स हम इनको ओरिजिनल नंबर्स में लिखेंगे, जो कि मेरे पास आगे स्पेस नहीं है डियर स्टूडेंट्स, मैं इस ब्रैकेट में आप लोग को ओरिजिनल नंबर्स लिख देती हूँ। आप लोग अपनी रफ नोटबुक्स पे इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटा नंबर 31/15 है और 31/15 हमारे पास सेम यही नंबर था। सो हम 31/15 लिख देंगे। 39/15 हमारे पास नंबर आ रहा है 13/5, उसको लिख दिया। फिर हमारे पास 45/15 नंबर जो आ रहा है वो हमारे पास 3 नंबर है, हम लोगों ने 3 लिख दिया। और लास्ट पे हमारे पास आ रहा है 57/15 जो कि हमारे पास नंबर है 3 4/5। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया, इस नंबर का भी तो 13/5 एंड 31/5 जो है वो हमारे पास होल नंबर में था 2 1/5 में था हमारे पास होल नंबर। ये यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, देख लें डियर स्टूडेंट्स, 2 1/5, उसको तो हमने 31/15 फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया था। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट ए और बी है, इनको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर्स मीन सबसे ग्रेटर पहले लेना है, टू स्मॉलेस्ट हम लोग चलते जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पार्ट ए है 4 1/14, 32/7 एंड 4 2/7। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आप लोग तीनों को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर मिक्स नंबर में है आप उसको सबको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को जो इजी वे बताने जा रही हूँ वो है हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। सो फ्रैक्शन फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स 14 4 ज़रा 56 और 56 में 1 ऐड हो जाएगा 57/14 आ जाएगा। ये 32/7 वैसे का वैसा क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसको हम लोग जब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 7 4 ज़रा 28 28 में 2 ऐड हो जाएगा 30/7 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है इनके डिनोमिनेटर्स को। सो डिनोमिनेटर्स 7 7 और 14 है तो हम लोग इन दो 7s को भी 14 बना देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़रा 14 7 2 ज़रा 14 तो उनके डिनोमिनेटर्स को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारा ये 57/14 ही लिखा रहेगा। 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 64/14 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 60/14 हमारे पास आंसर आ चुके हैं। तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं। हम नोमिनेटर्स को देखेंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले हम लोगों ने ग्रेटर नंबर इसमें से चूज़ करना होगा विच इज़ 64/14, फिर है 60/14 और फिर लास्ट पे 57/14। अब इन नंबर्स को अपनी ओरिजिनल हालत में हम लोग लिख देंगे। 64/14 हमारे पास था 32/7 विच इज़ अ ग्रेटर नंबर। फिर है हमारे पास 60/14 60/14 हमारे पास नंबर था 4 2/7। फिर है हमारे पास 57/14 जो कि था हमारे पास 4 1/14। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स पार्ट बी है हमारे पास 50/18 5 9/2 5 4/18। पेज नंबर 46 पे हमारी ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग लेसन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। सो हमारे पास लास्ट पार्ट इसका ये आ रहा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सारे नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हैं। ये होल नंबर में है, इसके नीचे कुछ नहीं है। मीन्स इसके नीचे 1 हमेशा है। देयर इज़ अ 1 बिलो अ होल नंबर। अब हम लोगों ने इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम लोग 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 उसमें ऐड कर देंगे। हमारे पास ये 94/18 आ जाएगा। 9/2 सेम 5 1 एंड 50/18 ये सारे नंबर से। अब डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, सब अलग अलग हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये दोनों हमारे पास 18 है तो हमने भी नीचे वाले ये 2 और 1 को 18 बनाना है। सो 2 9 ज़रा हमारे पास 18 आता है तो 9 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इनकी डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 50/18, फिर दूसरा नंबर ये हमारे पास 90/18 9 9 ज़रा 81 होता है सो 81/18 और 94/18। इस तरह हमारे नंबर्स में डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम आ चुके हैं। अब नोमिनेटर्स में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है। ग्रेटर नंबर हमारे पास 94/18 है। 94/18 लिखेंगे। फिर है हमारे पास ग्रेटर में 90/18, फिर 81/18 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50/18। अब इनको हम लोग अपने ओरिजिनल नंबर्स की तरफ उनकी तरह लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे। सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 94/18 जो है ना वो हमारे पास 94/18 नंबर क्या था 5 4/18 94/18 सॉरी वो हमारे पास 5 4/18 था। 90/18 हमारे पास था 5, 81/18 हमारे पास था 9/2, 50/18 हमारे पास था 50/18 ही था हमारे पास। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हुआ और फ्रैक्शन आप लोगों को अभी और भी ईजी लगना शुरू हो गई होगी। अगली वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और इसी तरह के मैथ्स के इजी स्टेप्स की वीडियो आप तक मैं जल्द अज जल्द पहुंचाती रहा करूं। अल्लाह हाफिज़।